आपके हिसाब से फ्री टाइम ज्यादा किसके पास होता है, महिलाओं के पास या पुरुष के पास? पुरुष ही के पास, महिला को होता ही नहीं है कभी, होता है तुम बता। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है महिलाओं का काम और आराम। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। सुबह से महिलाओं के लिए इतने काम होते हैं कि अगर गिने जाएं तो थक जाएंगे। एक काम थोड़ी होता है, सुबह से उठना, झाड़ू बर्तन करना, किचन को संभालना, बच्चों का टिफिन बनाना और बहुत सारे काम हैं। लेकिन फिर भी महिलाओं के काम का महत्व नहीं माना जाता। कहा जाता है कि आप करती ही क्या हो, घर में ही तो रहती हो, काम ही क्या होता है। घर और बाहर के कामों से उन्हें कब फुर्सत मिलती है, मिलती भी है कि नहीं? और अगर थोड़ी फुर्सत मिलती भी है उन्हें तो वो क्या करती हैं उस खाली टाइम में, उस फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? आपके हिसाब से फ्री टाइम ज़्यादा किसके पास होता है, महिलाओं के पास या पुरुष के पास? पुरुष ही के पास, महिला को होता ही नहीं है कभी, होता है तुम बता। काम ही काम तो रहती हैं करती, पुरुष को होता ही नहीं है। पुरुष तो ऐसे कि बस थोड़े पानी मानी दे आए और भाग आए। अब हम लोगों को तो दिन भर काम है कि नहीं? अब जैसे वो खाली टाइम हो जाता है उनका, आ गए पानी लगा के खेत में, फिर क्या करते हैं वो? अब वो फिर क्या होता है फिर क्या? हाँ और का, वो तो है ही कि पना जौन बात करना तो करना, नहीं करना तो पने लड़ाई करना। हाँ लड़ाई करना है, और कभी एक पग गहना के आ गए तो भी लड़ाई करना है, उनको क्या काम? हाँ नहीं यार ऐसी थोड़ी कर सकती है। आपको फ्री टाइम कब मिलता है? फ्री टाइम हमको वही 1-2 बजे, और कहो कभी मिलता भी नहीं है, दिन भर काम ही काम करती रहती है। खाली टाइम में आपको क्या अच्छा लगता है करना? अरे मैं सोना हाँ नींद आते सो जाती है। आपके घर की जो औरतें हैं, जैसे पत्नी है, बहन है, माँ है, वो क्या करती है खाली टाइम पे? रोटी सब्जी बनाती है और क्या करती हैं? और कोई काम, जैसे बिल्कुल खाली हुई कोई तो टाइम होता होगा ना औरतों के लिए खाली होने? उनको टाइम ही नहीं है रोटी सब्जी से। हाँ आपको लगता है कि खाली टाइम और कभी होना चाहिए, कोई दिन होना चाहिए उनकी छुट्टी का भी? छुट्टी का होता तो शादी ब्याह में निकल जाते हम लोग। पब्लिक प्लेस में कौन सी जगह ऐसी जहाँ पे महिलाएं सेफ है? ये तो नहीं पता, महिला बाहर भेज सकते हैं महिलाओं को बिना डरे बिना झिझक के? 5 बजे तक हाँ से पूछ लें जा सकती 5 बजे। हाँ हाँ नहीं बेचते हैं? नहीं कहीं नहीं जाते, हम तो घर का काम करते हैं। कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह 7 बजे। क्या क्या काम करते हैं? घर का जो काम है गृहस्थी का, बच्चों का खाना पीना बनाना, कपड़े लत्ते धोना। काम के अलावा आप अपने लिए खाली टाइम कब निकाल पाते हैं? शाम को 4-1 बजे। क्या करते हैं उस टाइम पे? जी बच्चों को पढ़ाना, ध्यान उनकी प्रेस, कपड़े लत्तों का, और का है घर गृहस्थी का ही काम है। और कुछ और क्या पसंद है आपको खाली टाइम में करना? और का पसंद है आपका है? बस एक टाइम का काम कर चुके दूसरी टाइम का लग जाता है। अपने मनोरंजन के लिए क्या करती हैं? कुछ नहीं जी, का मोबाइल है जी, चला लिए बच्चों के साथ करते हैं। मोबाइल में क्या देखती हैं? चलाती हैं अपने दिन की बात है। हम आए सुनीता, सुनीता है हम सुनीता ना। आपको टाइम मिलता है खाली काम से घर के? कितने काम करती हैं घर में? घर में कछु काम नहीं, जी है रोटी पानी, वो का काम है। हाँ खाली रोटी पानी के बाद फिर तो फ्री हो गई ना? हाँ रोटी पानी पने गज्जा गुसली की जो काम है और का है। तो फिर कहाँ खाली हुई? कहाँ से खाली है जी, तो क्या है? मैं भी कह रही था आपका ही रोटी पानी है अब इतने मेरे तो इतने बच्चे भी हैं कि उनके मामले में उन्हें टाइम नहीं मिलता। होगा अभी से 4 बच्चे हैं मेरे है? हाँ तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो तुमने अपनी बीवी को फ्री छोड़ा ही नहीं है ना? नहीं अब फ्री कर दिया ना मैंने। कहाँ फ्री कर दिया, 4-4 बच्चे की जिम्मेदारी ऑपरेशन करवा दिया मैडम। हाँ मम्मी पापा ने छोटी सी उम्र में शादी करवा दी थी। कितने उम्र में शादी कराई थी? समझ लो अब मैं 25 साल का हो गया। 4 बच्चे हो गए जी, मैं एक बच्चा होना था, अब वो एक बीघा 4 हो गए इकट्ठे। तो क्या करती हैं आपकी बीवी फ्री टाइम में? फ्री टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए। अब जी काम धंधा कुछ हो, यहाँ थोड़ी ना काम धंधा है कि कुछ छोटा मोटा कारोबार जैसे शहरों में चलता है कि कोई XYZ कोई भी कारोबार चलता है प्राइवेट वो कर लें, लेकिन यहाँ थोड़ी ना है कि कंपनी है कोई के कारोबार करे कोई महिला यहाँ की।
पहचाने। अब बताइए, आप अपनी बीवी को कहते हैं कभी कि आराम कर लो, थक गई होगी, अपने लिए समय निकाला करो? नहीं 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 नहीं, फ्री टाइम में उनसे भी कहते भैया थोड़ा बहुत आप बैठो, थोड़ा एंजॉय करो, मिलो जुलो थोड़ा, माने आपस में जब तो कुछ वार्तालाप होगा कि नहीं। बताओ और बताओ, महिलाओं को आराम करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए, देखो जब वो हारी थकी रहती हैं बच्चों में, खाना पीना में, हर चीज़ में, तो उन्हें हक है यार कि आराम करें। वो पुरुष अगर खाली है, वो एक ड्यूटी करके अपना काम ख़त्म करके अगर आ जाता है, तो उसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है सिर्फ इंजॉय करने के। वो इंजॉय कर सकता है, ताश खेल सकता है, लोगों की भीड़ में बैठ के मौज मस्ती कर सकता है, घूमने जा सकता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन महिलाओं को ये आज़ादी नहीं मिलती है। सुबह कितने बजे उठती हैं आप? सवेरे हम उठ जाते हैं 4:30 बजे। इतनी सुबह से क्यों उठते हो? ड्यूटी पे जाने पड़ता है, फिर ड्यूटी से आओ तो फिर 9 बजे ड्यूटी से आते हैं, फिर खाना बनाना, खाना बनाने के बाद नहाना, कपड़े वपड़े धोना, फिर 2 बजे फिर काम पे चले आते हैं ड्यूटी पर, फिर 5 बजे आते हैं, 5 बजे लौटते हैं, फिर खाना पीना बनाना, शाम हो जाती है अपनी, बस सो जाते हैं। काम ही नहीं है तो टाइम कैसे निकाले? टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, फालतू घूमते रहते हम लोग। जो काम मिलेगा सब वो कर लिया हमने काम, जो काम जैसे कि कोई आ गया, जैसे हम ढोलबाजी का काम करते हैं, ये सीजन है हमारी, ठीक है कि गर्मियों में और ठंडन में सीजन है, कोई आ गया कि बजाने के लिए चाहिए है तो चले गए हम, और फिर बजाने के बाद ना फिर कोई बनाने आ गया काम पर, जैसे कि मजूरी हुई वो लगा नहीं लगा तो फिर लग गया तो चले गए काम पर, और फिर नहीं लगा तो घर बैठे रहेंगे हम लोग। क्या फ्री टाइम में अच्छा क्या लगता है? घूमना, घूमता तो यही है कि मतलब अगर फ्री टाइम हो गया तक घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं, बढ़िया चौराहे में बैठ के लड़कियों को छेड़ना? नहीं ये गलत बात है, नहीं नहीं ये जी हमारी खूबी में जी बात नहीं है भैया, ऐसे नहीं करते हैं लोग। शहरों की लड़कियाँ क्या करती हैं अपने फ्री टाइम में? घूमती हुई यार पारक मारो में, कहीं पनी बोल क्या बोलती है उनके साथ में, उन्हें के साथ में बोल घूमती हुई। अब अपन कहाँ जाए तुम बता, आपके बॉयफ्रेंड नहीं है? यार ऐसी नहीं है, हमारे तो ऐसे हैं कि बहुत खतरनाक है, हमारे तो ये सब इससे भी अलग ही, कोई के तो घुमाई भी लुआ जाए, हमारे तो के भी नहीं लुआ जाता। तो आपको लगता है कि अगर आप रात में बाहर निकलोगे तो सुरक्षित हो? नहीं यार बाहर निकलेंगे तो कैसे हैं, बाहर कहाँ जा पाएंगे तुम बताओ हैं? किस तरह का डर रहता है? डर लगा रहता है हर एक कछु को, हाँ हर एक कछु का डर रहता है कि बाहर निकलेंगे तो क्या, कोई ऐसे जो महिला और कहीं कहेंगी वो जैसे पुरुष भी कछु उल्टी सीधी बातें कर लेंगे, इसलिए बाहर तो निकल नहीं सकते। समाज का डर, हाँ समाज का डर, घर परिवार का डर, सबका डर रहता है। तो ये है महिला और पुरुष की स्थिति। महिला को एक तो टाइम नहीं मिलता, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल भी गया है तो भी वो कोई ना कोई घर का ऐसा काम निकाल ही लेती है जो अपने आप को व्यस्त रखे। अब काम करेंगे बातें करें। चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।